हेलो का आज आज हम इतवारपुर के दुर्गा पूजा पंडाल का दिखलाएंगे। और ये देखिए कितना अच्छा मूर्ति बना हुआ है। देखिए दुर्गा जी का बहुत ही बढ़िया पंडाल बना हुआ है और कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। और आज अष्टमी का दिन है और ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। बहुत ही भीड़ चल रहा है, अभी पूजा चल रहा है। अभी देखिए बाहर देखिए काफ़ी भीड़ है। ये सुबह सुबह का टाइम है, जब सुबह में इतना भीड़ है तो रात में कितना भीड़ होगा। काफ़ी भीड़ चल रहा है पूजा का। और देखिए कितना अच्छा सुंदर बना हुआ है ये प्रतिमा मंदिर मूर्ति। और देखिए कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, काफ़ी भीड़ चल रही है। रात में एक इंच भी नहीं मिल रहा है, इतना टाइम नहीं मिलता है फोटो खींचने वीडियो बनाने का। ये हम दिन का बनाए हैं और रात में भी बना के दिखलाएँगे कितना भीड़ चलता है। यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहता है, एकदम खचमाखच भीड़ रहता है, एक इंच भी जगह नहीं रहता है। ये दिन का सीन आपको दिखला रहे हैं। और देखिए मंदिर विशाल दम मंदिर है, झंडा लहराते हुए ऊपर दम आसमान में 110 फीट ऊँचा ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर पूरा सुरक्षा का भी इंतजाम दिया गया है, ड्रोन कैमरा लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड की भी टीम है, पुलिस प्रशासन भी तैनात है यहाँ पर। ये देखिए पूरी तरह से मुस्तैद है, एकदम चापा चापा पर कैमरा लगा हुआ है, कोई परिंदा पर नहीं मरेगा यहाँ पर। ये देखिए स्टैचू बना हुआ है यहाँ पर सामने मंदिर के आगे, एकदम स्टैचू बना हुआ है। और देखिए सामने एंट्रेंस गेट के पास हम पहुँच रहे हैं, एंट्री गेट प्रवेश द्वार के पास लिखा हुआ है श्री स्वामी नारायण मंदिर इतवारपुर पटना। और देखिए डिजिटल बोर्ड नीचे लगा हुआ है, दान पुण्य करना कर सकते हैं। और सामने आसमान में 110 फीट ऊँचा पर झंडा पताका फहराते हुए, और देखिए हम एंट्री गेट में प्रवेश कर रहे हैं और माता रानी का आपको दर्शन करवाएंगे। ये बाहर का दिखला रहे हैं नज़ारा, अभी आपको हम अंदर भी दिखलाएंगे। और देखिए डिजिटल दान करें इतवारपुर में पूजा समिति द्वारा ये लगा गया है, स्कैनर जितना भी क्षमता हो आप लोग दान पुण्य कीजिए। और देखिए मंदिर आपको दिखला रहे हैं, कितना सुंदर मंदिर है, एकदम भव्य मंदिर है। मंदिर के चारों दिशा में भी दिखलाएंगे, कलाकार द्वारा कलाकार किया गया है। और देखिए पूरी तरह लाइट एकदम चकवाचौंध है, कोई देखिए एकदम ऐसा ड्रोन कैमरा लगा हुआ है, कोई परिंदा पर नहीं मारेगा यहाँ पर। डीजे वीजे सब लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ देखिए। अब चलिए आपको मंदिर के अंदर दिखलाते हैं और देखिए माता रानी के दर्शन कीजिए। और देखिए सब कलाकार द्वारा कलाकृति का प्रदर्शन किया गया है, बहुत ही विशाल मंदिर है ये, तो हर बार ये टॉप करता है, नंबर वन रहता है पटना का पंडाल है इतवारपुर का, इस बार भी टॉप ही करेगा। काफ़ी भीड़ भी नहीं है आपको दिख रहा होगा, सुबह सुबह का टाइम है, शाम में आइए लेकिन जगह नहीं मिलेगा आपको, सांस लेने का जगह नहीं मिलता है रात में। रात में भी दिखला देंगे, सुबह का टाइम दिखला दिया, सुबह में क्या हाल होता है और रात में क्या हाल होता है उसका आपको मालूम चल जाएगा। सुबह 10 बजे का टाइम है, अभी तो भीड़ नहीं है, एकदम कुछ भीड़ नहीं, एकदम खाली है। अभी पूजा पाठ करने वाले लोग आ रहे हैं इसीलिए भीड़ कम है, रात में रहता है एकदम ठसमाठस भीड़। आप लोग आइए यहाँ का लुत्फ उठाइए। और चलिए मंदिर के अंदर आपको दर्शन करवाते हैं माता रानी का। देखिए भव्य विराट रूप देखिए, अंदर में पूजा पाठ चल रहा है अभी का। देखिए कितना सुंदर मूर्ति बना हुआ है। आप लोग जितने भाई लोग नए हैं हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको मोटिवेट मिले, हम आप लोग के लिए नया वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। देखिए अष्टमी का पूजा चल रहा है और माता रानी का देखिए कितना नज़दीक से सीन आपको दिखला रहे हैं, कितना दम अच्छा दिखला रहे हैं, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।